हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम चाशनी वाली गुंजिया बनाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 कप हमने मैदा ले ली है, आधा कप हमने रिफाइंड लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह पर देसी घी भी ले सकते हैं। पहले हम ऑयल डाल के अच्छे से गूंथ लेंगे, बाद में पानी लेंगे। ऑयल को और मैदा को हमें बहुत अच्छे से गूंथना है, बहुत अच्छे से। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने गुनगुना पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा डाल के गूंथेंगे। हमें सख्त आटा गूंथना है। आटा हमारा गूंथ गया है। अब हम एक गीला कपड़ा लेंगे और 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने देंगे। तब तक हम और प्रिपरेशन कर लेते हैं। अब हम गुंजिया के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। हमने ये 200 ग्राम मावा लिया है, इसको हम सबसे पहले भून लेंगे अच्छे से। मावा हमारा भुन चुका है, कलर भी चेंज हो गया है और खुशबू भी आने लगी है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर लेते हैं। अब एक मिक्सिंग बोल में हम सब सामान डाल लेंगे। सबसे पहले हम मावा डाल लेते हैं। मावा ठंडा होने पर ही हमें सब कुछ इसमें मिक्स करना है। हमने 2 चम्मच बादाम को कूट लिया है अच्छे से। 2 चम्मच हमने काजू लिए हैं, उसको भी हमने अच्छे से कूट लिया है। 2 चम्मच हमने किशमिश ली है। 2 चम्मच हमने खरबूजे के बीज लिए हैं, इसको हमने घी में अच्छे से फ्राई कर लिया है। 10-11 इलायची को निकाल के हमने अच्छे से कूट लिया है। आधा कप हमने बूरा ली है, आप इसकी जगह पे पिसी चीनी भी ले सकते हैं। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग हमने अच्छे से मिक्स कर ली है। अब एक बर्तन में हम चाशनी बना लेते हैं। 2 कप हमने चीनी ली है, 1.25 कप हमने पानी लिया है। जब तक हमारी चाशनी तैयार होती है, जब तक हम गुंजिया को भर लेते हैं और बीच बीच में हम चाशनी को चलाते भी रहेंगे। अब हम एक लोई लेंगे, लोई को बेल लेंगे। इसी तरीके से हम सारी लोई बेल लेते हैं। सभी पूड़ी हमने बेल ली हैं, अब हम इनको भर लेते हैं। ये हमने गुंजिया का मोल्ड लिया है। अब एक पूड़ी लेंगे, अच्छे से फैला लेंगे और मिश्रण को भर लेंगे। 2 चम्मच हम मिश्रण भरेंगे एक गुंजिया में, और गुंजिया के किनारे पे हम पानी लगा लेंगे। पानी लगाने से क्या होता है कि फटती नहीं है गुंजिया। अच्छे से प्रेस करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी गुंजिया बनी है। और इस मोल्ड पे डिजाइन है, तो इसलिए डिजाइन भी है। इसी तरीके से हम सारी गुंजिया बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरी गुंजिया भी बन गई हमारी। सभी गुंजियों को हमने भर लिया है। अब हम अपनी चाशनी को भी देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी चाशनी भी बिल्कुल तैयार हो गई है। हमें चाशनी को चेक करने के लिए बस हमें थोड़ी सी ऐसा लेना है, और फिर थोड़ा सा हल्का ठंडा हो जाए, गर्म में हमें उंगली नहीं डालनी है। और फिर हमें ऐसे टच करके देखना है कि अगर वो चिपचिप हो रहा है शहद की तरह, तो वो चाशनी बन चुकी है। मैंने अभी चेक किया था, चाशनी हमारी बन गई है। अब हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। अब हम अपनी गुंजिया को फ्राई कर लेते हैं। हमने रिफाइंड ऑयल लिया है और ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। हम एक बार फिर भी थोड़ा सा आटा डाल के चेक कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ऑयल हो चुका है। गैस की फ्लेम हम सिम कर देंगे। सिम फ्लेम पे ही हम फ्राई करेंगे गुंजिया को। सभी गुंजी हमने फ्राई कर ली हैं। अब हम चाशनी में डाल लेते हैं गुंजिये को। कुछ गुंजियों को हमने प्लेट में सर्व कर लिया है। आप भी इस होली पे चाशनी वाली गुंजिया बनाएं और एंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।